राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में आज खाद्यान्न सुरक्षा पर्ची का वितरण किया गया। सभी हितग्राहियों को खाद्यान्न पर्ची दी गई। इसका लाभ करीब करीब 2400 हितग्राहियों को मिलेगा। आगे भी ये योजना चालू रहेगी। पूर्व में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित बैठक में उन्हें निकायवार खाद्यान्न पर्ची की स्थिति की समीक्षा ली। जिला खाद्यान्न अधिकारी ने बताया कि जिले में 64,069 के लक्ष्य के विरुद्ध 61,699 खाद्यान्न पर्ची का निराकरण कर दिया है। आयोजित किया गया जिसके अंतर्गत 37 पूरे प्रदेश में 37 लाख नवीन पात्र हितग्राही जो अभी तक लाभ नहीं ले पा रहे थे क्योंकि जो राज्य का एक कोटा है वो पूर्ण हो गया था। फिर अभियान चलाया गया जिसमें अपात्र लोगों के नाम हटाए गए एवं नवीन पात्र हितग्राही के नाम जोड़े गए। इसके अंतर्गत अनुविभाग नरसिंहगढ़ में 2436 नवीन हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया इस बार अपने यहाँ पे। जब मैम कुछ शिकायत ये भी है कि जैसे कुछ पंचायतों में कम नाम जुड़े पाए हैं, क्या कारण है? जिस अनुसार सर्वे हुआ है, जिस अनुसार नाम जोड़े गए हैं, और ये काम सतत प्रक्रिया चलती रहेगी। जिनके अभी पर्ची नहीं आई है उनकी भी पर्ची प्रोसेस में है, आगामी चरणों में उनकी भी पर्ची जारी की जाएगी। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन